आज की वीडियो है। पारिजात एक नॉवेल भी था और एक ड्रामा भी था, तो उसकी कुछ अच्छी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बड़े ख्वाबों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और हमारी हसरतें तो कभी पूरी होती नहीं। दिल के कमरे में एक ख्वाब तकमील की तरह अंदर आता है तो दूसरा गिरकी से बाहर चला जाता है। नहीं नहीं, पता है रट्टा लगाने से बात नहीं बनेगी। उर्दू को तो घूम घूम कर पीर का दिल में उतारना पड़ता है। जज्बात और एहसास को महसूस करके धुलाएंगे तो कभी याद करने में मुश्किल नहीं होगी। लिटरेचर का मज़मून हमसे अलग बढ़ता हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में एक आधा दुश्मन ज़रूर होता है जो आपको जगाए रखे, ज़िंदा रखे, आपकी नसों में इसकी वजह से खून की गर्दिश भी तेज़ रहे। कुछ लोगों के नसीब में तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता, ना ढंग का दुश्मन ना हो तो मौज जला जाती है। हाँ, अलबत्ता दुश्मन हो तो ज़र्ब वाला, कम ज़र्ब दुश्मन खुदा दुश्मन को भी नहा दे। इस कमज़ोर लम्हे में कोई बात करने वाला, कहने वाला, सुनने वाला होना चाहिए जो ख़ुदकुशी करने वाले को ये बता सके कि तुम्हारे मर जाने से दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दो चार दिन में सब नॉर्मल, बस तुम्हारे अपने हैं जो उम्र भर तड़पते रहेंगे। कुछ शामें ऐसी ढलती हैं कि सूरज के साथ साथ हमारा दिल भी डूब जाता है। डूबा सूरज तो अगली सुबह फिर निकल आता है, मगर जो दिल एक बार गुरु हो जाए तो फिर कभी धूप नहीं होते। ख्वाब हकीकत में डरने लगे तब भी बहुत देर तक हमें ख्वाब ही लगते हैं। शायद इंसान सदा का बेपार है या फिर मुझ जैसे जिनके ख्वाब सदा ही ख्वाब रहते हैं, इन्हें ख्वाबों की तबीर पर ज़रा देर से ही यकीन आता है। हम इंसान हर किसी के लिए एक नया और एक अलग जाविया रखते हैं। हो सकता है किसी के लिए मैं खुद पसंद और मकबूल हूँ और किसी और के लिए मैं अपना और मेहरबान हूँ। हम सबके लिए यकसा नहीं होते। लफ्ज़ एहसास जज्बात सोच ये खूबसूरत मगर किताबी बातें हैं। बाहर की दुनिया इंसान को उसकी ज़ाहरी शख्सियत से नापती है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। इसे खोकर इंसान को खारून का ख़जाना भी मिल रहा हो तो वो गाठी का सौदा है। शायद इसलिए इंसान आज तक ये तय नहीं कर पाया कि मोहब्बत का हासिल होना ज़्यादा बड़ा हादसा है या मोहब्बत खो देना ज़्यादा बड़ा सानिया। शक्ल और सूरत इंसान का पहला तारुफ होते हैं, इंसान का दूसरा और असल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। इंसान कभी तना नहीं होता, कोई दूसरा ना भी हो तो वो अपने साथ होता है और मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है। बस कहो कि मुझे अपनी कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद है। मसला तो मुझ जैसों का था जो गुनाह करते वक्त सवाब की तरह कंजूसी कर जाते और कार सवाब भी डर डर कर किसी गुनाह की तरह करते हैं।